नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में जितने घटनाक्रम अब हो रहे हैं, मुझे तो लगता है कि आने वाले 4-5 महीनों में इनका सिलसिला रुकने वाला नहीं है। देखिए, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी पश्चिम बंगाल की राजनीति में घटित हुआ है वो अप्रत्याशित है, और किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि ममता बनर्जी के इतने करीबी और इतने विश्वास पात्र, उनके परिवहन मंत्री, खेल मंत्री, ये सब इस्तीफा दे देंगे। परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने तो इस्तीफा देने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली, और ये माना जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी अब बीजेपी के डिप्टी सीएम पद के प्रत्याशी होंगे पश्चिम बंगाल से, और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों के बारे में भी चर्चाएँ ये चल रही हैं कि शायद वो बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। उनके भाई भी सांसद हैं, उनके पिता भी सांसद हैं, और परिवार के कुछ लोगों ने उनके बीजेपी ज्वाइन कर भी ली है। लक्ष्मी रतन शुक्ला प्रोमिनेंट क्रिकेटर रहे हैं, पश्चिम बंगाल के कप्तान भी रहे हैं, रणजी ट्रॉफी टीम के, भारतीय टीम के लिए भी खेले हैं, और उन्होंने 2016 में ज्वाइन की थी बीजेपी, और उन्हीं के साथ एक क्रिकेट की एक फ्रेटर्निटी जो है वो पश्चिम बंगाल की राजनीति से भी जुड़ी थी। वो किस तरीके से कि जब लक्ष्मी रतन शुक्ला ने 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी को ज्वाइन किया था, तो उनके साथ एक और शख्सियत ने टीएमसी ज्वाइन की थी, वो नाम था वैशाली डालमिया। वैशाली डालमिया स्वर्गीय जगमोहन डालमिया की बेटी हैं, और जगमोहन डालमिया भारतीय क्रिकेट का सर्वोच्च नाम रहा है। आप जानते होंगे कि वो बीसीसीआई के भी चेयरमैन रहे, और पहले ऐसे भारतीय थे जो आईसीसी के भी चेयरमैन बने, के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन बने। उन्होंने भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया। जिन दिनों सौरभ गांगुली भारतीय टीम के कप्तान थे, उन दिनों जगमोहन डालमिया के नाम का पूरी दुनिया के क्रिकेट में डंका बजा करता था। जगमोहन डालमिया ने पहली बार ये परंपरा शुरू कराई थी कि आईसीसी जो इंटरनेशनल बॉडी है क्रिकेट की, उसका चेयरमैन बनने का मौका सभी कंट्रीज़ को मिलना चाहिए, कि इसमें एक रोटेशन होना चाहिए। ये नहीं कि हर बार इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के लोग ही इसके चेयरमैन बनते रहे। उन्होंने एक सिस्टम बनाया और उन्होंने कहा कि इसका अध्यक्ष पाकिस्तान का आदमी भी बन सकता है, और बांग्लादेश का भी, श्रीलंका का भी, इंडिया का भी, वेस्ट इंडीज का भी। और वो पहले ऐसे शख्स थे जो इस रोटेशन के बाद पहली बार आईसीसी के चेयरमैन बने, और उसके बाद तो फिर दूसरी कंट्रीज़ के लोग भी चेयरमैन बनने लगे। लेकिन 2016 के विधानसभा चुनाव जब पश्चिम बंगाल में होने वाले थे, उससे कुछ ही समय पहले उनका निधन हो गया, और जगमोहन डालमिया के निधन से उनके परिवार को बड़ा आघात पहुँचा, और जगमोहन डालमिया की बेटी को ममता बनर्जी ने वहाँ पहुँचकर आशीर्वाद दिया। शुक्ला के साथ ही ज्वाइन कर ली थी उस समय तृणमूल कांग्रेस, और हावड़ा जिले से ही उन्होंने चुनाव लड़ा। हावड़ा जिले की एक विधानसभा सीट से लक्ष्मी रतन शुक्ला जीते, और हावड़ा जिले की ही बाली जो विधानसभा सीट है वहाँ से वैशाली डालमिया विधायक चुनी गई। ये मैंने एक छोटा सा बैकग्राउंड आपको बताया कि वैशाली डालमिया का बैकग्राउंड क्या है, और जब लक्ष्मी रतन शुक्ला ने इस्तीफा दिया है तो इस्तीफा देने के बाद सबसे पहला सवाल लोगों ने वैशाली डालमिया से ही किया। वैशाली डालमिया क्रिकेट जगत से ही आती हैं, उनके पिता लक्ष्मी रतन शुक्ला, सौरभ गांगुली, ये एक पूरा परिवार रहा है, सब लोगों का संपर्क आपस में रहा है। तो जब मीडिया ने वैशाली डालमिया से पूछा लक्ष्मी रतन शुक्ला के इस्तीफा देने के बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत दुखद है, और वो हावड़ा ज़िले की टीएमसी की प्रवक्ता भी हैं, और उन्होंने ये सवाल उठाया कि वास्तव में पार्टी का अहित होने जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि पार्टी के छोटे छोटे नेता बड़े बड़े नेताओं पर, विधायकों पर, सांसदों पर उंगलियां उठा रहे हैं, और हाईकमान उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस बात को लेकर वैशाली डालमिया ने बहुत नाराज़गी जताई है। उन्होंने मीडिया को कई इंटरव्यूज़ दिए हैं, और जब मीडिया ने उनसे ये पूछा कि क्या आप लक्ष्मी रतन शुक्ला भी बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये उनका निजी फैसला है। जबकि मीडिया का एक सेक्शन लगातार ये खबरें दे रहा है
कि ना सिर्फ लक्ष्मी रतन शुक्ला बल्कि खुद वैशाली डालमिया भी बीजेपी ज्वाइन करने जा रही हैं। इसके अलावा एक और विधायक हैं हावड़ा ज़िले के ही, राजीव बनर्जी, वो भी सुनने में आ रहा है कि वो बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। इस बारे में हालांकि इस किसी भी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये भी देखने को मिला कि जब सौरभ गांगुली को हार्ट अटैक आया और सौरभ गांगुली हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो वैशाली डालमिया उनसे मिलने पहुंची थी। जाहिर है वो पड़ोसी हैं और क्रिकेट परिवार से हैं, सौरभ गांगुली का डालमिया परिवार में आना जाना है, तो वो उनसे मिलने के लिए पहुंची थी। और उसी दिन शाम को गृह मंत्री अमित शाह के बेटे और बीसीसीआई के सचिव जय शाह भी मिलने पहुंचे थे, हाल पूछने पहुंचे थे सौरभ गांगुली का। इसके अलावा जय शाह ने टेलीफोन के माध्यम से अमित शाह की बात भी कराई थी सौरभ गांगुली के परिवार से, उन्होंने उनका कुशल क्षेम पूछा था। फिर नेक्स्ट डे, उससे अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सौरभ गांगुली का हालचाल पूछा। तो उस इन सब चीज़ों की कड़ियों को अगर जोड़ें और जो तेवर वैशाली डालमिया के इस समय नज़र आ रहे हैं, उससे तो ये इंडिकेशन मिल रहा है कि न सिर्फ लक्ष्मी रतन शुक्ला, राजीव बनर्जी और वैशाली डालमिया बल्कि आने वाले समय में सौरभ गांगुली बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, ये संकेत स्पष्ट मिल चुके हैं। हालांकि वैशाली डालमिया ने अभी सिर्फ इतनी बात कही है कि जिन लोगों ने उन पर आरोप लगाने का काम पिछले दिनों किया है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तरह तरह की बातें कही, उनके बारे में पोस्टर चिपकवा दिए गए। आपको मैं बताऊं कि बाली क्षेत्र में जहां से वो विधायक हैं वैशाली डालमिया, वहां पर उनके खिलाफ हिंदी, उर्दू, बांग्ला, इन भाषाओं में पोस्टर चिपकवा दिए गए थे और उसमें ये लिखा हुआ था उन पोस्टर्स में कि इस बार बाली से किसी भी बाहरी आदमी को टिकट ना दिया जाए टीएमसी का, बल्कि किसी लोकल व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया जाए। हालांकि इस बात का ज़बरदस्त विरोध भी किया था वैशाली डालमिया ने, और उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था और उसमें वैशाली डालमिया ने कहा था कि ये तो वो देश है, यहाँ आप किसी को भी भारी कह सकते हैं, इस देश का प्रधानमंत्री जो कि पूरे देश का मुखिया होता है, आपने उसे भी भारी कह दिया, अगर वो गुजरात से आकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ लिए तो उन्हें भी भारी बताया जा रहा है। तो उन्होंने ये कहा था कि मैं बाहरी बिल्कुल नहीं हूँ, मैं यहीं की रहने वाली हूँ, बाली में मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, आप लोग कागज़ चेक कर सकते हैं कि वो घर मेरे नाम पर है। तो उन्होंने ये कहा था कि जो छोटे छोटे लोग हैं, उन्होंने कुछ पूर्व पार्षद हैं वहाँ के, उनकी ओर इशारा किया था। और एक जो नाम मुझे सामने मिला है, ये पूर्व पार्षद हैं वहाँ के, तफजील अहमद, उन्होंने एक वीडियो शेयर करके वैशाली पर आरोप लगाया था कि वो बाहर की रहने वाली हैं, यहाँ की नहीं हैं। इन सब लोगों का नाम किसी का वैशाली ने नहीं लिया है, लेकिन इन सब लोगों के खिलाफ उन्होंने शिकायत टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी को की है और उन सब से ये कहा है कि इन लोगों के साथ एक्शन लिया जाए, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। जो छोटे छोटे काउंसलर्स वगैरह होते हैं, ये लगातार अपने विधायकों को, सांसदों को परेशान करते रहते हैं, उनके खिलाफ राजनीति करते रहते हैं, इससे पार्टी की भी बदनामी होती है। वैशाली ने साथ ही ये भी कहा है कि ये लोग दीमक की तरह हैं जो पार्टी को खोखला कर रहे हैं। पार्टी के लोग विधायक बाहर चले जाएंगे, बाद में लोग आ भी जाएंगे, लेकिन ये जो लोग दीमक की तरह पार्टी को खोखला कर रहे हैं, ये पार्टी में जब तक रहेंगे ना, तब तक पार्टी को ये खोखला ही करते रहेंगे। और उन्होंने ये मांग की है कि इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। ये लोग ना पार्टी प्रोटोकॉल की परवाह करते हैं, ना छोटे बड़े की इनको तमीज है, और ये भी नहीं सोचते कि कौन आदमी किस स्तर का है, और बस उस पर चले जाते हैं, आरोप लगाने लगते हैं। मैं आपको बताऊं कि वैशाली डालमिया हावड़ा ज़िले की टीएमसी की प्रवक्ता भी हैं, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं। मैंने वीडियो में इसमें जो फोटोग्राफ्स लगाए हैं उनके आप देख सकते हैं कि वो सोशल मीडिया पर कितनी एक्टिव हैं। और ममता बनर्जी की पार्टी में जो चंद अट्रैक्टिव चेहरे हैं, नुसरत जहां, मिमी चक्रवर्ती और ये वैशाली डालमिया, इन सब लोगों का एक महत्वपूर्ण रोल है ममता बनर्जी की पार्टी को पश्चिम बंगाल में स्टैब्लिश करने में। और अगर ये लोग नाराज हैं तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ने जा रही हैं। फिलहाल खबरें यही हैं कि सौरभ गांगुली अस्वस्थ हैं, लेकिन सुनने में आया है कि उनका हार्ट की पोजिशन अब ठीक है और डॉक्टर्स ने तो ये भी कहा है कि सौरभ गांगुली चाहें
तो वो मैराथन की दौड़ भी दौड़ सकते हैं और वो अब सर्जरी के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और ये माना जा रहा है कि जैसे ही वो स्वस्थ होंगे उन्हें बीजेपी ज्वाइन कराई जाएगी और इसके बाद हो सकता है कि उन्हें बीजेपी में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए। इन सब चीज़ों पर पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर हमारी लगातार नज़र इन गतिविधियों पर बनी हुई है और हम ये लगातार ट्रैक कर रहे हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट वहाँ होने जा रहे हैं। इस बारे में हम बात करते रहेंगे, आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।